फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लेता है वो अल्लाह की अमान में आ जाता है, जो नहीं पढ़ता रहमत का फरिश्ता जो उसके लिए अल्लाह ने खास किया वो जाते हुए उस पर लानत भेज के जाता है, बल्कि जिन शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब वो पेशाब है, ये वो बीमारियां जो डॉक्टरों को समझ नहीं आती हैं, पैसे लग रहे हैं जी, कीमो लग रही है जी, हाँ जी 22,000 का एक इंजेक्शन है। मैं एक बंदे सरकारी बंदे का इलाज करता था, उसकी बेटी कहती हर माह 18 लाख रुपए का इंजेक्शन आता है, 18 लाख रुपए का, अल्लाह अकबर, फिर भी वो गड्डी चढ़ गए। ये कैसे मुमकिन है कि बीमारी हो और फिर शफा, इलाज हो और फिर शफा ना हो। मेरा भाई अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और हमें बाअमल बना दे।